ख्वाजा मोहम्मद हैं, इनका नाम हज़रत बाबा सैयद अकरम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये सऊदी अरब के शहर मदीने से आए थे 1946-45 में। इनका विसाल हुआ है 1968 उन जो है रमज़ान की 14-15-16 रमज़ान मुबारक। इनकी करामात तो बहुत हैं, लेकिन बात यह है मुख्तसरन ये बताना है कि जैसे मेरे वालिद साहब थे पहले यहाँ, उन्होंने 58 से लेकर 2009 तक यहाँ खिदमत की है, तो उनका भी यही है मज़ार शरीफ। तो उनकी ये है कि वो मेरे वालिद साहब पहले सीमैन थे, ब्रिटिश शिप में जॉब करते थे, तो इलाज कराने के लिए आए थे, अल्लाह पाक ने उनको शिफा दिया, तो उसके बाद वो यहीं के होकर रह गए थे। तो उसके बाद से लेकर उन्होंने 1958 से लेकर 2009 तक खिदमत अंजाम दी, 2009 को उनका विसाल हुआ है। और बाबा साहब की जो उम्र है माशाल्लाह वो 125 साल उम्र थी। और ये जितनी भी जगह है बाबा साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ख़रीदी है। इस मज़ार को दिए 56 साल हो गए, मज़ार को 56 साल हुए, वैसे तो वो 1946 से आए हुए थे हयाती में, मज़ार को अभी 56 वर्ष दिया है रमज़ान हुआ। देखिए करामत बताने को तो ये सब बहुत माशाल्लाह बहुत है। अब ये सबसे बड़ी करामत है जहाँ हम बैठे हैं अल्लाह का वली का करी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जगह पर उनका मज़ार शरीफ है, मस्जिद है, मदरसा बनाया उन्होंने। हमेशा ये कहते थे भाई मैं तो अल्लाह के घर का चौकीदार हूँ, तो बस अल्लाह के हुक्म से वो जो भी दुआ करते थे और अल्लाह पाक वो इंशाल्लाह पूरी करते थे। जो भी यहाँ ज़ायरीन आते थे, अभी भी यही है कि जो भी आता अल्लाह करने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इनके सदके अल्लाह पाक तमाम मामलात अल्लाह पाक हल फरमा देते हैं। देखिए इलाज के लिए हर किस्म के लोग आते हैं, अब किसी का असर है वो आ जाते हैं, कोई बीमार है वो आ जाते हैं, और मकसद हर किसी जिस तरह लोगों की परेशानी होती है, कोई भी मामलात है कारोबार से मुतल्लिक है या कोई ज़रूरी मामलात है, घर के कोई है झगड़े वगैरह, इस तरह के मामलात वो आते हैं यहाँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक मसला हल करता है इनके सदके बाबा साहब की दुआ से। कादरिया, ये पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट अल्लाह वाली मस्जिद, मकसद ये कि अल्लाह पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट अल्लाह वाली मस्जिद, ये यही एड्रेस है, क्योंकि साथ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है ये अल्लाह वाली मस्जिद है दरगाह ये मज़ार की। हाँ ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुला हुआ था। हज़रत बाबा सैयद अकरम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और हुजरा शरीफ है मस्जिद के अंदर उनका चिल्ला का, वो जो पाकिस्तान बनने से पहले आए थे तो उसी में ही वो ठहरते थे। और उनका ये था माशाल्लाह कभी मस्जिद से बाहर कभी ना आए, नहीं निकले वो, जब वो यहाँ आए तो मस्जिद से कभी बाहर नहीं आए वो, और मस्जिद में ही रहे। उनका जब जनाजा हुआ बाबा साहब का तो मस्जिद से बाहर भी जनाजा नहीं लेके गए, यहीं बरांडे में बांस दिए गए, जनाजे में रश था ना तो बांस दे के लोग आगे तक गए उनके जनाजे को, फिर उसके बाद यहाँ तफीम किया गया इस मज़ार शरीफ के अंदर। मरनी हफ्ता रोज़ा होता है हर जुमरात को ईशा की नमाज के बाद 9:45 बजे से लेकर 11:45 बजे तक हर जुमरात को यहाँ मिलाद होती है मस्जिद के अंदर। बाबा साहब के हयाती से लेकर अब तक हर जुमरात को मिलाद होती है बाकायदा। लेडीज़ का इंतज़ाम अलग है और जेंट्स का अलग होता है, और ये 70-80 सालों से ये मिलाद चल रहा है माशाल्लाह। हर जुमरात को मकसद हफ्तावार मिलाद होता है।